ज्यादा समय तो नहीं लेना है, लेकिन चलिएगा चंद पंक्तियां, वो भी परम श्रद्धेय गुरुवर के कर कमलों से निकली हुई हैं, तो चलिएगा। कहना है के बदलते वक्त में सुंदर सब पुष्पहार और ये बहुमूल्य आशीर्वाद मेरे लिए है। जय जय भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। और भी कुछ कहना पड़ा जो कि आज यहाँ
सभी लोग उपस्थित हैं और उपस्थित होने के साथ साथ रात्रि भर आप लोगों ने कार्यक्रम भी सुना और हमारे आदरणीय चाचा जी जिनको वास्तव में मैंने देखा है लेकिन मुझे याद नहीं है, तो याद नहीं है इसलिए सोच रहे हैं उनके बारे में, सुन भी रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं ये वास्तव में बहुत अच्छे कीर्तनकार थे। तो चलिएगा मैं मेरी तरफ से श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूं, क्या बात है, मैं उनको बार बार नमन करती हूँ और नमन करते हुए चलिएगा सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए क्योंकि सभी लोगों ने आप लोगों ने श्रद्धांजलि सुंदर सुंदर सुनाई है, लेकिन चलिएगा मेरा कुछ थोड़ा सा प्रयास देखिएगा। मनुष्य का शरीर पाकर के हम लोग वास्तव में कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं कि जिससे इस जीव का उद्धार हो जाए और इस शरीर का तरण धारण हो जाए। तो चलिएगा सुनिएगा कहना पड़ा कि जीव बंधा बंधन में अपना शरीर छोड़ दिया आत्मा ने, तो
देखिएगा दोनों हिंदू भी लड़ने लगे और मुसलमान भी लड़ने गए और उन्होंने कहा, हिंदू ने कहा हम जलाएंगे और मुस्लिम कहने लगे हम जलाएंगे। तो देखिए हुआ क्या, तो
छोटी बहन कमलेश्वरी कच्चर बहन के द्वारा ये हमारे लिए पुष्पमाल और साथ में माल भी प्रदान हुए हैं। मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। माता रानी सदन है शतपथ प्रदान करें और दिन प्रतिदिन ये अपनी पथ पर आगे बढ़ती रहे। और ये भी हमारी बहन रिंकित राजपूत जी, बहुत सुंदर गायन है आपका भी बहन की तरफ से। ये सुंदर सा पुष्पमाल और साथ में माल भी प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिएगा हम माता रानी सदैव कामना करते हैं। सदैव आप लोग अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। Ah!